मैं ये मानता हूँ ऐतिहासिक कदम है हरियाणा सरकार का कि 50% महिलाओं को और 8% बैकवर्ड के हमारे साथियों को, बैकवर्ड ए को हमने डेडिकेटेड इसके अंदर हिस्सेदारी दी है। और माननीय हाईकोर्ट ने भी स्टे हटाकर हमारी बात को मानने का और मोर लगाने का काम किया है और प्रोसीड हम कर सकते हैं। जुलाई के अंत तक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन रोल है उसको रिवाइज कर लेगी और उसके तुरंत बाद, क्योंकि 21 दिन का होता है, अगस्त मिड के कभी भी बाद, चाहे एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हरियाणा प्रदेश में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। सर, महाजनी को लेकर जिस तरह से पहले मुआवजा किसानों को नहीं मिलता था, पहले प्रोविजन नहीं थी किसी भी एक्ट में कि अगर इलेक्ट्रिकल वायर से कोई आग लगती थी उसका मुआवजा तो आता था, शॉर्ट सर्किट का बिजली विभाग देता था, उसके सिवाय आगजनी का कोई मुआवजा नहीं था। इस बार क्योंकि अनेकों जगह आग की घटनाएं सामने आई, हमने ये निर्णय लिया है कि अब आगजनी पर पूरे प्रदेश में अगर कोई किसी किसान के खेत में आग लगती है तो उसको फिर आगजनी के बराबर पूरा मुआवजा हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से देने का काम करेगी कि उसकी दाने के जो नुकसान है वो उसकी पूरी भरपाई। पहले एक चीज तो देखो कि 8 साल से विपक्ष में बैठने के बाद भी लोगों को चिंता हो रही है, ये तो संघर्ष का समय होता है। और हमने तो इतिहास में देखा जो संघर्ष करते हैं वही कामयाब होते हैं, जो चिंता करते हैं वो तो फेलियर की ओर जाते हैं। और कांग्रेस ने तो चिंतन यूपी में भी किया था, कांग्रेस ने तो चिंतन पंजाब में भी किया था, क्या हालात है, डूबता हुआ जहाज है। और आप देखेंगे कि आगामी चुनावों के बाद कांग्रेस तो पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है खालिस्तान की आवाज़ें उठने लगी हैं और बहुत सारी हलचलें देखने को मिली मूवमेंट। भगवंत मान जी ने अपना कार्यभार संभाले अभी 2 महीने हो गए और 2 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर एक कंसर्न पंजाब का है। पर मैं मानता हूँ कोई भी नया व्यक्ति आता है तुरंत उससे कंट्रोल नहीं लिया जाता, अभी तो उनसे 2 महीनों में अपना फाइनेंशियल बजट नहीं अनाउंस हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह आने लगे। और तो और आज पंजाब के अंदर जो हालात बिजली के हैं वो तो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, तो आने वाले समय में पंजाब का क्या हाल होगा इसके ऊपर तो आम आदमी अपना जवाब दे। मुझे लगता है दिल्ली मॉडल के नाम पे पंजाब में तो आगे पर पंजाब को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सर, चाहे हुड्डा हो चाहे आम आदमी पार्टी, ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश में ना बिजली है ना पानी है ना रोजगार ना बिजली, महंगा चरम सीमा पे है, तो फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ प्रदेश में है क्या। आज उनकी सरकार में जो बिजली आती थी उससे 5 लाख यूनिट प्रतिदिन ज्यादा बिजली आम आदमी को हमारी सरकार दे रही है। हर घर को 70 लीटर पानी हर नागरिक को मिले ये व्यवस्था हमने बनाने का काम किया है। रोजगार के अवसर केवल मात्र सरकारी सेक्टर नहीं, 75% कानून लाके प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ने फैसला किया तो हमारी सरकार ने किया। उनने तो एक काम किया 10 साल में, और फैक्ट के साथ बोलता हूँ कि किसान की ज़मीन को कैसे लूटा जाए, किसान की ज़मीन को कैसे एक्वायर करा जाए, प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में दिया जाए और रिलीज़ किया जाए। और आज एक नहीं अनेक मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं, उनका फैसला आएगा तब पूछेंगे कि उनने दमाद जी कर कितना प्रदेश लूटने का काम किया था, उसका जवाब जरूर जनता को। लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो काफी मनोबल बढ़ा दिखाई दे रहा है और रोड शो भी किया था जिसमें एक शक्ति प्रदर्शन। अगर मनोबल बढ़ा है तो फिर चिंतन शिविर में क्यों बैठे। मनोबल तो उस आदमी का बढ़ता है जिसको चिंता ना हो, अगर मनोबल बढ़ाकर चिंता हो जा रही है इसका मतलब तो मनोबल अंदर ही अंदर। वो एक कहावत है ना कि एक गाड़ी खरीदी 5 पार्टनरों ने और 5 पार्टनर उसको बैठ के टैक्सी के तौर पे चलाने लगे, सुबह से लेकर रात तक एक आदमी आगे आ जाए, एक आदमी ड्राइविंग सीट पे आ जाए, एक आ जाए, 5ों की रोटेशन हुई, रात को घर पहुंचे तो जेब चेक करी कि 4000 का तेल फूंक ली, कस्टमर कितने आए, कस्टमर तो एक भी नहीं आएगा क्योंकि 5 तो पहले ही बैठे थे। आज कांग्रेस की तो हालात है, 5 बिठा दिए एक गाड़ी में और देख लेना रात तक गाड़ी की।